हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस नव ब्लॉग में स्वागत है। मेरा नाम गुड्डू मौर्या है। तो आप सभी को मैं लाल किले के अंदर आया हूँ, और लाल किले के अंदर आप सभी को बहुत सारी इमारतें देखने को मिलेगी, बहुत सारे महल मिलेंगे देखने के दोस्तों। लेकिन बहुत कम ही लोग को पता है दोस्तों, ये हमारे पीछे जो दिख रहा है दोस्तों ना, ये लाल किला का फ्रंट साइड इसी की तरह है दोस्तों। लेकिन ये मैं इसके बैक साइड हूँ, बगल साइड से, जो कि एंट्री दरवाज़ा है दोस्तों। ये मेन मेन वो वाला है दोस्तों, जो एंट्री दरवाज़ा इधर से, ये जो पीछे साइड से इसका जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, दोस्तों इसका नाम है दिल्ली दरवाज़ा। इसे दिल्ली दरवाज़ा बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि इसी दरवाजे से गाड़ियां, बाइक वाइक अंदर से जल्दी आती हैं। क्योंकि उस साइड से जो फ्रंट है, जहाँ से आप सब टिकट लेके अंदर आते हैं लाल किले के अंदर, उस साइड से गाड़ी वाड़ी नहीं जा सकती दोस्तों। क्योंकि इस वजह से ये जो है दिल्ली दरवाज़ा, इसका नाम पड़ा था और इसका नाम रखा गया है दिल्ली दरवाज़ा दोस्तों। उसी समय में, क्योंकि जब एंट्री बादशाह एंट्री करते थे ना, इसी रास्ते से हाथी घोड़े उनके आया करते थे दोस्तों। उस साइड से भी आते थे, लेकिन वो जो फ्रंट साइड है दोस्तों, अभी जो 500 के नोट पे है ना सामने, तो वो वाला साइड है, ये इसके बगल का साइड है दोस्तों। ये आप सभी को बहुत कम ही लोग को पता होगा। और चलेंगे ब्लॉक को, दिखाएंगे आप सभी को, वहाँ पे दो बड़े बड़े हाथियाँ देखने को मिलेगा दोस्तों। आप सब ब्लॉक छोड़कर मत जाइएगा, बहुत ही अच्छा आप सभी को देखने को अभी मिलेगा दोस्तों। दिखाऊँगा और अच्छी जानकारी है यहाँ पर आप सभी। तो दोस्तों इसके गेट के बारे में बात करें, अभी चलेंगे अंदर और उस अंदर से आप सभी को दिखाते हैं। जो लुक आता है ना, वो बहुत ही बेहतरीन सा इसका लुक आता है दोस्तों। और ऊपर देख सकते हो, अभी ये जो है ये थोड़ा पेंट वेंट किया गया है, क्योंकि 15 अगस्त का समय था, इसलिए इसको बढ़िया से पेंट वेंट कर दिया गया है। अंदर चलेंगे, आप सभी को दो बड़े बड़े हाथियाँ देखने को मिलेगी, असली नहीं दोस्तों, नकली हाथी। इधर देख सकते हो ये कैसे, कितना मुग़ल काल का ये जो बना हुआ दरवाज़ा है दोस्तों, ये है जो दिल्ली के लाल किले के अंदर पड़ता है दोस्तों। जी हाँ, ये हाथी देख सकते हो, ये स्वागत में यहाँ पे दोनों हाथियाँ बनाई गई हैं, जो कि ये हाथी लोहे के हैं दोस्तों। और लोहे के चादरों को काट काट कर बनाया गया है, और ब्लैक पेंटों से इसको पेंट कर दिया गया है। तो दोस्तों चलेंगे और आगे तक दिखाएंगे आप सभी को। और इसकी जो एक ग्राउंड है दोस्तों ना, यहाँ पे गाड़ियाँ उड़ियाँ जब आती है ना, उसी साइड से होके आती हैं। यहाँ पे सीधा जैसे पुलिस की गाड़ी हो गई, क्योंकि और कोई गाड़ी है, जैसे कोई अधिकारी की गाड़ी है, तो दोस्तों इधर से ही गुजरती है, क्योंकि यही एक रास्ता है जो अंदर जाने के लिए है। जो मेन फ्रंट है उधर से आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि उधर पैदल जा सकते हो दोस्तों। और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं, क्योंकि अलाउ नहीं है, यहाँ पर ऊपर नहीं जा सकते हो आप। नीचे से ही यहाँ से देख के फ़ोटो वोटो क्लिक करा के इंजॉय करिए दोस्तों। और जो है इस दरवाजे के बात करें, जो ये लाल किले के दूसरे हिस्से पे है दोस्तों, ये लाल किला रेड फोर्ट, जो कि दिल्ली में पड़ता है, दूसरे हिस्से पे है। इसको जो है शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों, देख सकते हो। और बहुत ही सुंदर सा लुक है, और आज भी बहुत ही इसको देखभाल भी किया जाता है, क्योंकि जरस भी कहीं भी अभी डैमेज नहीं हुआ है। जहाँ भी डैमेज होता है ना, वहाँ तुरंत रिपेयर होता है दोस्तों। देख सकते हो कितना इसका जो ऊंचाई है, काफ़ी ऊंची है दोस्तों, और काफ़ी सुंदर लगता है। देख सकते हो एक बार इसका नज़ारा यहाँ से। और इधर देख सकते हो जो फ्रंट साइड है, ये सामने से है दोस्तों, ये सामने से लेके अभी आप सभी को साइड से ही दिखाते हैं, कितना बेहतरीन सा है और कितना इसका जो लुक है बहुत ही शानदार आ रहा है दोस्तों। देख सकते हो, इसका नाम है दिल्ली दरवाज़ा, अरे बहुत बड़े में है, देखिए कितना बड़ा, कितने ऊंचाइयों पे बना हुआ है दोस्तों। और देख सकते हैं उधर जो गाड़ियां आ रही ना, ये डायरेक्ट इसी किले के ही अंदर आएगी दोस्तों। यहाँ पे कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं, इसी किले के अंदर आएंगी, यहाँ से निकल के किले के अंदर चली जाएगी दोस्तों। और ये हाथी देखिए बहुत ही बेहतरीन लग रही है, जो दोनों हाथी खड़ी हैं, बहुत ही सुंदर। देखो गाड़ी गई है, ये प्रशासन की गाड़ी हो है, ऐसे है, सबका अलाउ नहीं है दोस्तों, हर कोई नहीं ला सकता यहाँ पे।
और देख ही सकते हो कितना बेहतरीन सा यहाँ का लुक है दोस्तों। और अंदर देखो ये कितना शानदार जो है एंट्री का लुक है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा है। और ये सामने रही अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग उधर सामने, और चलेंगे और आगे उस साइड चलेंगे, दिखाएंगे आप सभी को। ये देखिए उस जमाने के जो पत्थर लगे थे, तो दोस्तों देख सकते हो और काफ़ी शानदार जो है। और देखिए यहाँ पे थोड़े पत्थर जो हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी साल हो चुका है दोस्तों, और ये अंग्रेज़ों ने बनवाया था इसको जब उनकी वो मताई यहाँ पे। और इधर पूरा देख सकते हो पार्क टाइप का बना है, और उसकी दीवारें की ऊँचाइयाँ देख सकते हो कितनी ऊँचाइयों पे है दोस्तों, और बहुत ही शानदार लगता है यहाँ पे। बहुत कम ही लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में, और देख सकते हो आप सब दोस्तों एक बार। और ये काफ़ी दूर में है, छोटा ऐसे नहीं है दोस्तों, काफ़ी दूर है, इसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी है। और इधर साइड जाओगे, इधर साइड आप निकल सकते हो बाहर की तरफ। और ये सब जो अंग्रेज़ों की ये बिल्डिंग है जो उन्होंने बनवाया था, यहाँ पे म्यूजियम है, बहुत सारे म्यूजियम रेस्टोरेंट यही सब यहाँ पे बना हुआ है। और इधर साइड देख सकते हो ये जो कितना बेहतरीन सा व्यू इसका देख सकते हो, लुक देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा लुक है यहाँ पर, देख सकते हो आप सब। यहाँ पे फोटो और रील्स बनाने के लिए बहुत शानदार जगह है, देख सकते हो।